बनाते हैं, पूरी और आलू की सब्जी, मसाला पूरी और आलू की सब्जी। अरे घर में कभी कोई मेहमान, दो तीन मेहमान आ गए तो हम उसे क्या खिलाए, तो चलो फटाफट आलू का सब्जी और पूरी बना लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। तो चलो आज हम बनाते हैं आलू की रसा वाली सब्जी और मसाला पूरी। हाँ, अगर कभी कोई दो तीन मेहमान घर पे आ गए तो हम लोग सोचने लगते हैं क्या बनाऊँ, क्या खाने को बनाऊँ, वो लोग खाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो आलू तो घर में रहते हैं और घर में सब मसाला भी रहता है, तो आलू की सब्जी और मसाला वाला पूरी मेहमान को खिलाएंगे तो मजा आ जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। आलू की रसा वाली सब्जी और मसाला पूरी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए हमने लिया है ये गेहूं का आटा एक कटोरी, ये मैंने चार आलू उबाल के लिए है। आप कच्चे आलू की भी सब्जी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि उबले हुए आलू ही चाहिए, लेकिन उबले हुए आलू से झटपट सब्जी हो जाती है। ये मैंने लिए चार उबले हुए आलू। ये हमें चाहिए नमक, ये मिर्ची का टुकड़ा, एक मिर्ची का मैंने टुकड़ा करके रखा है, ये जीरा, राई, कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, कटा हुआ हरा धनिया, और हमें तेल तो चाहिए ही चाहिए, आपको मालूम है पूरी के इसमें भी तेल चाहिए, सब्जी बनाने के लिए भी तेल चाहिए, तो ये है तेल। तो चलो हम बना, तो पहले हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ तो चलो पहले हम सब्जी के लिए आलू काट लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से आधा आलू ही काटना है, आधा आलू हमें हाथ से मैश करके इसमें डाल देना है। तो क्योंकि हमारा रसा है ना थोड़ा थिक होएगा, तो देखो हमने आधा आलू हाथ से काट के इसमें डाल दिया है। चलो अभी हम फोड़नी की तैयारी करते हैं। हाँ तो चलो आलू की सब्जी को तड़का देने के लिए हम पैन, गैस चालू करके पैन गरम करने को रखते हैं। अब हम इस पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। हाँ तो हमने यहाँ तेल गरम करने को रख दिया है, तेल गरम होने के बाद हम इसे तड़का देंगे, हम देखते कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। हाँ तो यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच जीरा, ये कटी हुई मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, कड़ी पत्ता 5 से 6 पत्ते कड़ी के, कड़ी पत्ते। अब इनसे बराबर हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ये हमारी फोड़नी तैयार। अब हम इसमें डालेंगे ये कटे हुए आलू। अब हमें इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हमें इसमें डालना है पानी, करीबन 2 कप। अब हम इसे गैस लो करके ढक के रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पूरी का आटा भी गूंद लेना है। तो चलो हम पूरी का आटा गूंद लें, यहाँ हमारी सब्जी हो गई है और यहाँ हमारा आटा तैयार हो जाएगा। हाँ तो यहाँ हमारी आलू की सब्जी हो रही है और यहाँ हम आटा गूंद लेते हैं मसाला पूरी का। मसाला पूरी के आटे में हमें क्या क्या डालना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए हमें लिया है ये आटा, हमने 1/2 कप आटा लिया है। इसमें डालना है हमें नमक स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर 5 चम्मच, हींग 1/2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। अब हमें ये आटा को तेल डाल के गूंद लेने का है, 1 चम्मच जितना हमें तेल डालना है। हाँ आपके घर जितने मेहमान आए हैं उस हिसाब से आपको आटा लेना है, उस हिसाब से आपको आलू लेना है। ये नहीं भूलना कि हमने 4 आलू लिया है तो आप भी 4 आलू लो, जितने मेहमान आए हैं उस हिसाब से आपको बनाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को कड़क गूंद लेते हैं और आपको दिखाते हैं हमें कैसा आटा बनना है। हाँ अगर आपको खट्टा मीठा ये सब्जी अच्छा लगता है तो आप इसमें शक्कर या गुड़ और कोकम डाल के भी आप बना सकते हैं, और आपको सादा खाने का है तो आप सादा भी खा सकते हैं। ये हमारा पूरी का आटा गूंद के रेडी हो गया है। हाँ तो चलो हम देखते हैं हमारी सब्जी भी तैयार हुई है या नहीं। हमारी सब्जी भी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है,
तो चलो हम इसमें सारे मसाले कर देते हैं। इसमें हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर तो हमने पहले से ही डाल दिया है। हाँ, अगर आप इसको खट्टा मीठा करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया आप कोकम गुड़ या कोकम और शक्कर भी डाल सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे सा। और आपको सादा सब्जी खाना है तो आप सादा भी खा सकते हैं। दो मिनट में हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। हाँ, तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ और हम बनाएंगे पूरी। मैंने पूरी के लिए तेल गर्म करने को रख दिया है, अब हम यहाँ पूरी की तैयारी करते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो रहा है, आटा भी गूंदा हुआ तैयार है, तो चलो हम पूरी की तैयारी करते हैं। हाँ, किसको अच्छा लगता है तो इसमें थोड़ा अजवाइन भी डालते हैं पूरी में, जो आपको अच्छा लगता है तो आप अजवाइन डाल के भी बना सकते हैं। हाँ, तो ये पूरी के गोले भी तैयार हो गए। अब मैं गैस जरा फास्ट कर देती हूँ और पूरी को बेल लेती हूँ। इस तरह हम सारी पूरी बेल लेंगे। हाँ, तो यहाँ हमारी पूरी बेल के तैयार हो गई है, तो चलो हमारा तेल भी गर्म हो गया तो हम चलो पूरी फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह हमें सारी पूरी फ्राई कर लेनी है। हाँ, तो आपने देखा हमारा पूरी फ्राई होके रेडी हो गया है, तो चलो मैं आपको पूरी और भाजी सजा के दिखा देती हूँ। हाँ, तो चलो हम थोड़ा धनिया डाल के भी सजा देते हैं। तो हमने सब्जी में थोड़ा कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। आ जाइए, पूरी और सब्जी रेडी है। हाँ, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, झटपट पूरी भाजी, आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।